आज की वीडियो में आपको देबीना बुनर्जी की दूसरी बेटी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देबीना बुनर्जी और गुरमीत चौधरी ने अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। गुड न्यूज ये है कि देबीना और गुरमीत सेकंड टाइम पेरेंट्स बने हैं और इस बार उनकी दूसरी बेटी हुई है। देबीना और गुरमीत ने ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है और साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि वेलकम अवर बेबी गर्ल इनटू द वर्ल्ड एज एसेस्टिक एज वी आर कमिंग पेरेंट्स अगेन। वी अप्रिशिएट सम प्राइवेसी एट दिस टाइम एज अवर बेबी हैज कम इनटू द वर्ल्ड सूनर देन ड्यू। कीप ब्लेसिंग एंड शोरिंग यूर कंटिन्यूड लव। आपको बताते चलें कि जब देबीना बुनर्जी ने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया था तो उनकी पहली बेटी सिर्फ फोर्थ मंथ की थी और अब उनकी दूसरी बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी है और उन्होंने ये बात खुद बताई है कि उनकी बेटी थोड़ा सा प्रीमेच्योर बॉर्न हो गई है, जिसके लिए अब उन्हें थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत है और उन्हें हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी बेटी इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और वो क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन से गुजर रही है। उन्होंने ये भी कहा है उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए। जिस तरह पहले उन्होंने अपनी बेटी की पिक्चर्स भी शेयर की थी और अपनी बेटी के बारे में सबके साथ शेयर भी किया था, उनका कहना है कि इस बार वो थोड़ी सी प्राइवेसी जरूर चाहेंगी। आपको बताते चलें कि देबीना और गुरमीत 2011 में शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और 3 अप्रैल 2022 को देबीना ने अपनी बेटी लियाना को वेलकम किया था और अब देबीना एक बार फिर से एक क्यूट सी बेबी गर्ल की मदर बन चुकी हैं, जिसके आने पर वो बहुत ज्यादा खुश तो हैं, लेकिन थोड़ी सी उदास जरूर हैं क्योंकि उनकी बेटी थोड़ी सी बीमार है। आप देबीना बुनर्जी की बेटी को अपनी प्रेयर्स में जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप देबीना के फैन हैं और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, मजीद ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।